प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा द्वारा भिलाई 3 सिरसा गेट में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर चरोदा निगम के महापौर सभापति सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस जन व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 21 मई को भिलाई चरोदा ब्लॉक कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई। सिरसा चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर निर्मल कोसरे मुख्य अतिथि थे। सभापति कृष्णा चंद्राकर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मडरिया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुजीत बघेल एवं उन्हीं महिला विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सभी अतिथियों के साथ उपस्थित कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि राजीव गांधी सही मायने में आधुनिक भारत के शिल्पी थे। उन्होंने कंप्यूटर व दूरसंचार क्रांति की नींव रखी थी। श्री कोसरे ने यह भी बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार राजीव गांधी के सपनों को बखूबी साकार कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लागू राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वही निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर ने कहा कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में आधुनिक सोच और दूरदर्शिता से देश को नई दिशा दी है, इसका फायदा देशवासियों को मिल रहा है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मडरिया ने कहा कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाकर डिजिटल युग की शुरुआत की थी। आज मोबाइल फोन को लेकर जो क्रांति दिख रही है वह राजीव गांधी की ही देन है। कार्यक्रम को सुजीत बघेल व उन्हीं महिलाओं ने भी संबोधित किया। सर्वप्रथम तो मैं आज राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के पावन अवसर पर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से राजीव जी एक ऐसे महान विभूति थे जिनकी आज कमी पूरे देश को खल रही है, और राजीव जी के सच्ची श्रद्धांजलि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त की राशि किसान भाइयों के खाते में देने जा रही है, तो ये निरंतर उनके बताए हुए मार्गों को अनुसरण करना, छत्तीसगढ़ सरकार उनके बताए हुए पदचिन्हों पर चल रही है। निश्चित रूप से राजीव जी की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने नव भारत के निर्माण के लिए आज सब हाथों में मोबाइल देने का काम, टेक्नोलॉजी लाने का काम राजीव जी ने किया है। और राजीव जी की कमी हमेशा हम सबको खलती रहेगी। ऐसे महान विभूति को जो भारत के आन बान और शान रहे हैं, मैं भारत रत्न राजीव जी को बहुत बहुत सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चूँकि राजीव जी हमेशा भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने का काम करते थे, लेकिन एक ऐसी विचारधारा भी है जो देश के नागरिकों को तोड़ने का काम करती है। उनका मकसद सिर्फ देश में आतंकवाद फैलाना, तो आज आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में हम लोगों ने शपथ लिया है राजीव जी के पुण्यतिथि में, ताकि हम उस विचारधारा को ख़त्म कर दें और भारत में सिर्फ एक विचारधारा रहे, भारत माता को मानने वाले लोगों की विचारधारा रहे, नफरत फैलाने वालों की विचारधारा का समापन हो, इसलिए हम लोगों ने आतंकवाद विरोध के लिए शपथ लिया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, आज राजीव गांधी न्याय योजना का शुरुआत पहले से की है, लेकिन आज किसानों का आज पैसा डाल रहे हैं। और राजीव गांधी जी ने हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी, जो आपका कंप्यूटर जो लाया था, राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, जो आज हम लोग जिसमें हजारों व्यक्ति काम करते थे उसमें आज 5 व्यक्ति में काम हो जाता है, इनके द्वारा ही लाया गया था, और आज उसको सब लोग हम लोग नमन करते हैं। राजीव गांधी जी अमर है। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।